नागपुर बुनकर सहकारी सूत मिल लिमिटेड की स्थापना 1962 में हुई थी, जिसके पास 88 एकड़ जमीन थी और हजारों बुनकरों को रोजगार मिला हुआ था। 1996 में यह घाटे में आने के कारण बंद कर दिया गया और 2013 में इसका पंजीयन भी रद्द किया गया। अब संचालक वस्त्र उद्योग ने 68 एकड़ जमीन एक निजी व्यापारिक संस्था को बेच दी। अब 20 एकड़ जमीन शेष है। आज इस जमीन की कीमत 600 करोड़ रूपए के करीब है, जिसे वस्त्र उद्योग विभाग ने माड़ा को 138 करोड़ रूपए में बेचने का सौदा किया है और अग्रिम राशि 36 करोड़ रुपए में ली है। नागपुर शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष रमन पेगवार ने प्रेस परिषद में उक्त जानकारी देते हुए मांग की है कि यह सौदा तत्काल रद्द किया जाए और इस जमीन पर अत्याधुनिक टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाए। इससे हजारों बुनकरों और करीब 1100 पूर्व कर्मचारियों को रोजगार प्राप्त होगा। प्रेस परिषद में रवि गाड़के पाटिल, मोहम्मद कलाम, कृष्णा कोटाखोड़े, पापा मिया, प्रणय भानाकर उपस्थित थे। पेगवार ने बताया कि लगभग 8 वर्ष पूर्व वस्त्र उद्योग विस्तार के लिए नई नीति बनाई गई। राज्य भर में 511 प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए गए थे। विदर्भ में 59 प्रोजेक्ट स्थापित हो रहे थे। नागपुर और विदर्भ के लिए 4,500 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई गई थी। राज्य सरकार ने इसी योजना के तहत राज्य वस्त्र उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना की और पावरलूम बोर्ड व हाथकरघा बोर्ड को एक साथ लाकर टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार की नीति के तहत वर्ष 2028 तक नागपुर जिले व शहर में अलग अलग 4 हिस्सों में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, कपास से कपड़ा निर्माण और इस क्षेत्र के सभी छोटे बड़े उद्योगों की श्रृंखला स्थापित कर नागपुर को टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित किया जाए। इससे हजारों बेरोजगार हलवा बनकर युवाओं को रोजगार मिलेगा और कपास उत्पादक किसानों को उचित दाम मिलेगा। स्थानीय आमदार, टेक्सटाइल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इन सारे लोगों को हम निवेदन दे चुके हैं और ये मुद्दा जुड़ा हुआ है नागपुर शहर के जो हलवा बुनकर है और मोमिन बुनकर है, जो लाखों की संख्या में नागपुर शहर में निवास करते हैं, और सरकार का रवैया इनकी समस्याओं के लिए अभी तक बहुत सुस्त रहा, नहीं के बराबर रहा। मेरे ख्याल से आज या कल भारत सरकार की कैबिनेट की आखिरी बैठक है और आप लोगों के माध्यम से यह मांग मैं सरकार के पास पहुंचाना चाहता हूं कि आज भी समय है, एक दो दिन में आप नए पॉलिसी की घोषणा करें जिसमें हलवा और मोमिन बुनकरों के बेरोजगारी का प्रश्न, उनके परिवार के सामने जो 2 जून रोटी का प्रश्न है, वो हल हो सके। इसके लिए मैं विषय पे आ रहा हूँ। नागपुर बुनकर सहकारी सूत मिल लिमिटेड के भूखंड का जो नुकसानदायक सौदा माड़ा के साथ किया गया है, उसे रद्द किया जाए और उस धनराशि का उपयोग आधुनिक 4 टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए किया जाए। नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी और विदर्भ का प्रमुख शहर है। विदर्भ राज्य का कपास उत्पादन का केंद्र है। वस्त्र उद्योग, हाथकरघा, हैंडलूम, पावरलूम, बुनकर सूत मिल और इस व्यवसाय से जुड़े अन्य उद्योगों का प्रमुख केंद्र होने के नाते नागपुर शहर और जिला वस्त्र उद्योग के लिए एक प्रसिद्ध बाजार था, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। 1962 में नागपुर जिला स्थित नागपुर बुनकर सहकारी सूत मिल लिमिटेड की स्थापना हमारे स्वर्गीय पूर्व खासदार। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।